हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी अप पन्ना। आज हम नरेशन का जो हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं, आज हम देखेंगे कि जब डायरेक्ट स्पीच में कोई एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे अभी तक सारे पार्ट नहीं देखे नरेशन के, तो आप एक बार देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आज, ये आपको सारा कुछ समझ में आएगा, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है और इसके पहले भी मैं कम से कम 5 पार्ट्स डाल चुका हूँ नरेशन के। तो पहले आप वो देखिएगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं एकदम बेसिक से, उसके बाद ये वाला पार्ट देखना, तब आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि मैं इसमें क्या चीज़ें बता रहा हूँ, कैसे करना है चीज़ों को, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हेडिंग डली है वेयर देयर इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। अगर एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ जाता है, तब हम उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस से क्या मतलब होता है, जब हमें कोई चीज़ एकदम से ऐसा कुछ हो जाए हमारे साथ, यानी कि विस्मय वाली कंडीशन उत्पन्न होती है, इनको विस्मयादिबोधक सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जो विस्मय को बताते हैं, अचंभे को बताते हैं, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी बोलते हैं। ठीक है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के रूप में हम क्या करते हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं, या एक्सक्लामेटरी वर्ड्स भी होते हैं, जैसे वाव है, वेल डन है ना, एकदम से कुछ एक सरप्राइज वाली कंडीशन हो, चाहे वो आप पॉजिटिव वे में हो, मतलब चाहे वो दुख हो, कुछ कोई सैड न्यूज़ मिली हो या कोई गुड न्यूज़ मिली हो, तब हम सरप्राइज होते हैं तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स का यूज करते हैं या एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो हम उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे हम। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जब हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है, तो उसको हम चेंज करेंगे किसमें, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, है ना, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज, अप्लॉज से मतलब प्रशंसा होता है, रिग्रेट से मतलब पछतावा होता है, ठीक है ना, अप्लॉज से मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, कि क्या मतलब है इसका, प्रशंसा से है ना, तो एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, इनमें हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू को चेंज करते हैं, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, राइट। और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर लगाते हैं हम दैट, राइट। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को हम किस में बदल देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं, असर्टिव सेंटेंस से कह सकते हैं हम सिंपल सेंटेंस में इसको क्या कर देते हैं, हम कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। आगे देखते हैं, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि किसमें चेंज करना है, सेड या सेड टू को, तो इन सभी चीज़ों में चेंज करना है। लेकिन अब हमें यह समझना है कि हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाएंगे कब, या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कब लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कब लगाएंगे, अप्लॉज कब लगाएंगे, रिग्रेट कब लगाएंगे, ये हम कैसे लगाएंगे, ये हमें कैसे चलेगा पता। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, तो उनकी हेल्प से आप समझ सकते हैं। जैसे कि अगर जॉय अगर आता है, क्या आता है, जैसे कि हुर्रे मिल जाए, ये मिल जाए, ये हुर्रे या ये वर्ड मिल जाए आपको, तो आपको क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाना है। जॉय कब लगाना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय कब यूज करना है, जब आपको क्या मिले, हुर्रे या ये मिल जाए, है ना। सरप्राइज कब आपको लगाना है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज जब लगाना है, जब आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो इन्वर्टेड, यानी कि ये जो मटेरियल है, ये कहीं ना कहीं किसका मटेरियल, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का मटेरियल है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये सब चीज़ें आपको मिल जाएँ, ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ से यहाँ तक की दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँ किसके अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तब आपको इनमें इनको क्या करना है, चेंज करना है। जैसे कि वाव मिल जाए, ओके मिल जाए, माय गॉड, माय गुडनेस मिल जाए, तो आपको क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज करना है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, राइट। अगर आपको ब्रावो मिल जाए, वेल डन मिल जाए, तो आपको क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, राइट। अलास मिल जाए, आह मिल जाए, नो मिल जाए, ओ सिट, ओ डियर, फॉर गॉड सेक, या फॉर हेवन हेवन सेक मिल जाए, तो आपको क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अप्लॉज से मतलब प्रशंसा है, सरप्राइज से मतलब अचंभित होने से है ना, या आश्चर्यचकित होने से है, जॉय से मतलब क्या है, खुशी से है, और सॉरो से क्या मतलब होता है भाई, सॉरो से मतलब दुख होता है। अब ऐसे सेंटेंस में समझ ही पा सकते हो कि प्रशंसा की जा रही है, दुख जताया जा रहा है, क्या आखिर मतलब, कौन सा भाव प्रदर्शित किया जा रहा है, कौन सा भाव एक्सप्रेस किया जा रहा है, उसको समझ कर आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, किन में कि एक्सक्लेम विद जॉय में करना है, कि एक्सक्लेम विद सॉरो में करना है, उसको समझना पड़ता है रिपोर्टेड स्पीच को, राइट। तो अब कुछ और चीज़ें समझते हैं, अब इसको हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, मैंने क्या लिखा है, व्हाट
ए एन प्लस नाउन। अगर ये पैटर्न आपको कहाँ मिलता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है, रिपोर्टेड स्पीच के अगर अंदर आपको ये पैटर्न मिलता है कि सबसे पहले व्हाट आया है, फिर उसके बाद नाउन आई और बीच में लगा है आर्टिकल, तब आप क्या करोगे, उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव और नाउन में उसको क्या कर दोगे, कन्वर्ट कर दोगे। मतलब सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो ये वाला पैटर्न यूज करोगे, और डायरेक्ट में अगर ये दिखता है तब ऐसा करोगे आप क्या करते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय। जैसे अगर मान लीजिए व्हाट आ साइट, अब व्हाट आ साइट लिखा है तो अपन क्या बोलेंगे, इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बोलेंगे इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे गर्ल क्या है, नाउन है, राइट। गर्ल क्या है, गर्ल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है ना, ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है जो विशेषता बता रहा है किसकी, इस नाउन की जो विशेषता बता रहा है, राइट। और व्हाट यहाँ पे हमें समझना है, व्हाट आ से समझना है कि ये जो पैटर्न है ये कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैटर्न है ना। हम अचंभित हुए, व्हाट अ, किसी लड़की को देखा तो बोले एकदम से व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, किसी सुंदर लड़की को देखा है ना, बहुत एकदम से पहली बार देखी है ऐसी लड़की आपको, तो आप बोल सकते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, राइट। तो आप इसका क्या करोगे, सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इस जगह पर आपको आ लगाना पड़ेगा। एक और चीज़ यहाँ पे समझना है हमें कि अगर हाउ से स्टार्टिंग हुई है रिपोर्टेड स्पीच की और उसके बाद एक एडजेक्टिव आया है तो वो भी कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को ही शो करेगा, ठीक है। तो उसको आप जब बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखोगे, फिर वर्ब रखोगे, जो वर्ब आप सुटेबल आपको लगे वो वर्ब रखोगे, फिर लगाओगे वेरी, फिर लगाओगे एडजेक्टिव। जैसे हाउ सैड है तो इसका अपन ने जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया तो अपन ने क्या किया, इट इज़ वेरी सैड, इट इज़ वेरी सैड। और अब देखते हैं सेंटेंसेस में कि कैसे इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। सी सेड टू अस ब्राबो वी हैव वॉन द मैच। अब आपको यहाँ पे देखना है कि ब्राबो आया है, ब्राबो अभी आया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ब्राबो आ जाए तो आपको क्या करना है, अप्लॉज में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, अप्लॉज में, राइट। अब बनाएंगे इसका तो क्या बनेगा, इनडायरेक्ट जब आप बनाओगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा, पहले तो सी सेट का किस में चेंज करेगा, अप्लॉज में चेंज करेंगे। तो सेट टू को आपको किस में चेंज करना है, अप्लॉज में चेंज करना है। तो क्या बनेगा, सी एस क्लेम्ड विथ अप्लॉज, सी एस क्लेम्ड विथ अप्लॉज अस दैट। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर वी इस्तेमाल किया गया है, तो वी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सी है तो सी को अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो वी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, दे यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर अकेले के लिए तो बोला नहीं है, सिंगल के लिए। अब हम इस चीज़ को आगे बता रहे हैं तो अगर हम किसी और से अगर वी लगाकर बोलेंगे तो उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और सी ने किससे कहा है, हमसे कहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको वी को किस में चेंज करेंगे, दे में चेंज करेंगे। तो क्या बनेगा हमारा, तो दे आ जाएगा यहाँ पे, दे दैट के बाद दे आ जाएगा, कंजक्शन के बाद हम दे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हैड में चेंज कर देंगे हैव को, और वॉन द मैच, तो बनेगा क्या हमारा, सी एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज अस दैट दे हैड वॉन द मैच। ये हमारा क्या बनेगा, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं अब। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हमारा, कपिल सेड हुर्रे आई वॉन अ प्राइज, ठीक है। अब यहाँ पर वो कहीं ना कहीं किसको एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है कि मैंने क्या जीता है, प्राइज जीता है। तो अपन अब क्या करेंगे, जब खुशी की बात हो तो जॉय में चेंज करते हैं, यानी कि जॉय खुशी की बात हो रही है तो आप क्या करोगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करोगे। यहाँ पे शेर दिया है तो एक्सक्लेम्ड तो होगा ही होगा, तब आप इसका इंडायर बनाओगे तो क्या बनेगा, कपिल एक्सक्लेम्ड With joy, कपिल exclaimed with joy, और ये हुर्रे आप हटा दोगे क्योंकि इसी को देखकर तो आपने क्या किया है, with joy लगाया है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, conjunction लगा दोगे जो inverted commas की जगह पर आता है, इस जगह पर जो आता है वो conjunction क्या लगाना है आपको, that लगाना है। और I कौन सा person है, आप person change करेंगे, I है first person change into सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कपिल। तो कपिल को क्या लिख सकते हैं अपन, कपिल को लिख सकते हैं अपन ही, अपन ऐसे बोलेंगे ना, कपिल ने खुश होते हुए कहा कि मैंने क्या जीता, प्राइज जीता। तो आप इस बात को किसी और से बोलोगे तो कैसे बोलोगे, कपिल एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, दैट
कि उसने क्या जीता, उसने जीता प्राइज, तो आई वॉन कहीं ना कहीं सेकेंड फॉर्म है, क्या है, आई वॉन अ प्राइज, मैंने क्या जीता, एक प्राइज जीता, मतलब प्राइज तो आप जीत लिया, ठीक है, जीतता है नहीं, मैंने एक प्राइज जीता, विन होता है फर्स्ट फॉर्म, उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, वॉन होता है, राइट। तो अपन इसको चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को जब हम चेंज करते हैं इंडायरेक्ट से इंडायरेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, कहीं ना कहीं पास्ट इंडेफिनिट लगता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। आप जब डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते हो और रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो सेड दी हो या सेड टू दी हो, क्या दी हो, सेड टू, तो आप जब डायरेक्ट से इंडेक्ट बनाते हो तो आप किस में चेंज करते हो, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हो, किस में चेंज करते हो, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हो। तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कपिल सेड विथ जॉय दैट ही हैड वॉन अ प्राइज, आपको ये बनाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो आई थिंक आपको सेंटेंस से समझ में आ रहे होंगे कि डायरेक्ट सिंटैक्स कैसे बनाना है। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है, कमल सेड ओ नो आई मिस्ड द ट्रेन। अब यहाँ पर वो अपना दुख जता रहा है कि मैंने क्या कर दी, ट्रेन मिस कर दी। अभी मैंने बताया था ओ नो आ जाए, ओ आ जाए, तो आप क्या करोगे, आप उसको सौरो वाली कंडीशन में होगा वो, तो सौरो से मतलब आप चेंज करने वाले हो उसको, किसमें, जब आप इंडायरेक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा, कमल सेड का किसमें चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड विथ सौरो, एक्सक्लेम्ड विथ सौरो दैट, उसके बाद आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इन टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है कमल, कमल का आप क्या कर दोगे, ही कर दोगे, ठीक है ना, कमल, कमल का जब आप नाउन से प्रोनाउन में कन्वर्ट करोगे उसे, तो आप वो किस में चेंज होगा, ही में चेंज होगा, ठीक है ना। तो ही के बाद आगे क्या लिखोगे, ही के बाद आगे लिखोगे टेंस कौन सा है, सेकेंड फॉर्म लगा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। अभी मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट चेंज किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो कमल एक्सक्लेम्ड विद सौरो दैट ही हैड मिस्ड, क्या होगा, थर्ड फॉर्म होगा, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, ही मिस्ड द ट्रेन। ये क्या बनेगा इसका, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं, हमारा डायरेक्ट सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, नंदिनी सेड वाव व्हाट अ शर्ट इट इज। आप अभी मैंने आपको बताया था ये वाला आपको पैटर्न मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप समझेंगे कि ये किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है ना, प्लस जो भी हमें एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है, उसको हम रखेंगे, उसके बाद वो नाउन रख देंगे, ठीक है। नाउन क्या है यहाँ पर, अ शर्ट है, देखिए आर्टिकल लगा है, तो यहाँ पर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ कि एक नाउन है, राइट। तो आप इसका क्या बनाओगे, यहाँ पर खुशी, यहाँ पर वो सरप्राइज हुई, उसने एक शर्ट देखी है, वो बोले व्हाट अ शर्ट इट इज, तो आप इसका बनाओगे क्या, नंदिनी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, नंदिनी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, आप सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे इट, तो इट को आप आगे ले आओगे, ठीक है, तो क्या बनेगा इट, लेकिन आप यहाँ इज नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पास्ट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पर सेड दिया है, क्या दिया है, सेड, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये टेंस चेंज होगा इसका, तो क्या बनेगा, it was a very beautiful shirt। ये इसका क्या बनेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो अगला सेंटेंस देख लेते हैं, अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सी सेट हाउ सेट। तो आप इसका क्या बनाओगे, अभी मैंने आपको ये पैटर्न बताया था कि हाउ के बाद क्या आ जाए, अगर एडजेक्टिव आ जाए तब आप क्या करेंगे, तब आपको मैंने बताया था हाउ के बाद एडजेक्टिव आ जाए तो आपको इट इज़ वेरी सैड, यानी कि आपको यहाँ पर ये तो ध्यान देना ही पड़ेगा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब आई है वो क्या है, सेड है या सेज है, अगर सेड है तो फिर ये इच किस में चेंज होने वाला है, वॉज में चेंज होने वाला है, तो क्या बनेगा, आप देखो इजिली आप आराम से बना सकते हो, कैसे बनेगा इसका, इनडायरेक्ट जब बनाओगे तो क्या बनेगा, सी सौरव तो हुआ है, इसको दुख जता रहा है, तो सी एक्सक्लेम्ड विथ सौरव दैट इट। अब देखो यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि जो सेड है वो सेकेंड फॉर्म है, तो हमें इसको किस में चेंज, इसके बाद कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी, वॉज, इट वॉज वेरी
सैड, इट वॉज वेरी सैड, ये बनेगा इसका क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि मैंने वॉच क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ सिर्फ दिया है, सेकेंड फॉर्म दिया है तो टेंस चेंज होगा प्रेजेंट से पास्ट में, तो हमें यहाँ पास्ट टेंस की वर्ब यूज करनी पड़ेगी, तो इट के साथ क्या लगाएंगे हम, वॉच लगाएंगे। ठीक है, और हमें सेट वेरी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ वेरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि वो एक एडवर्ब है और यहाँ पे सेट क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो हम इसके पहले क्या लगा देंगे, वेरी भी लगा देंगे, ये भी समझना है। ठीक है ना, अगला सेंटेंस देखते हैं हम, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, सी सेड व्हाट, वाओ व्हाट अ हैंडसम बॉय, तो आप क्या करोगे, वाओ आया है, ठीक है ना, तो वाओ जब आता है तो अभी मैंने बताया था कि वाओ अगर आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, वाओ अगर आया तो वो सरप्राइज हुआ है, क्या हुआ है, सरप्राइज हुआ है, वाओ आया है, तो आप क्या करोगे, जब आप इसका बनाओगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो क्या बनेगा, सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, सी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, व्हाट अ हैंडसम बॉय को आप क्या करोगे, अ बॉय इज रखोगे या वॉज रखोगे, ये चीज समझनी है आपको, तो आप क्या रखोगे, वॉज रखोगे, क्या रखोगे, वॉज, क्यों रखोगे, इज आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो सेड है वो सेकेंड फॉर्म है, तो आपको टेंस भी तो चेंज करना पड़ेगा, मेंटेन भी तो करना है प्रेजेंट से पास्ट को, डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो क्या करेंगे, अ बॉय वॉज वेरी, अ बॉय वॉज वेरी हैंडसम, अ बॉय वॉज वेरी हैंडसम, ये क्या बनेगा इसका, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के, कि हम कैसे बनाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये मैंने सारे आपको जितनी भी चीज़ें नरेशन में इंपॉर्टेंट होती हैं, जो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल जो भी था वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। यहाँ पर हमारी ये सीरीज जो होती है ये खत्म होती है, फिनिश होती है हमारी नरेशन की। ठीक है, तो आपने अभी तक अगर सारे पार्ट नहीं देखे और आप नरेशन को अपना क्या करना चाहते हो, स्ट्रांग पोर्शन बनाना चाहते हो इंग्लिश में, तो आपको ये सारे पार्ट एक बार ज़रूर देखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।